रुबाब चौधरी, 3.5 साल में कितने बंदे लूटे आपने? एक भी नहीं। दिन रात मेहनत करती हैं? जी मैं दिन में मेहनत करती हूँ। आंखें बोलती हैं, सामने बैठे बंदों की भी आंखें बोल रही होती हैं, उन्होंने क्या करना है, फंसना है या फंसाना है। शोबिज फील्ड कैसी है अंदर से मुझे ये बताएं। अच्छी भी है बुरी भी है, लेकिन मुझे तो मजा आ रहा है। आपको अच्छी का मजा आता है या बुरी का? मतलब मजा भी आता है, कहीं बड़ी साठ भी हो जाते हैं। मैं दुबई गई हूँ, लेकिन मैं विजिट पे गई हूँ, अब भी दिल करता है मैं जाऊँ जरा एंजॉय करके आऊँ। शादी हुई आपकी? आपके हाथ से बता रहे हैं कि शादी हुई है, आप मान नहीं रही। मैं एक शोबी से मैं करूंगी, एक शोबी के बाद। ये दो टारगेट बना लिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल और मैं हूं आपका जाहिद खान। आज हमारे साथ बैठे हैं रुबाब चौधरी, इनसे पूछेंगे कुछ फील्ड के बारे में और कुछ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जब से आपको देखा है पहले से तबीयत बिल्कुल फ्रेश हो गई है, थोड़े से नीट नीट लगने लग गए हैं। दरअसल लड़कियों को देखना तो हर बंदा ना नीट नीट हो जाता है, खासतौर पे हम जैसी लड़कियों को देख के तो अगला बंदा वैसे ही खूबसूरत हो जाता है। खूबसूरत नहीं हो जाता, बिल्कुल ही खूबसूरत हो जाता है। अच्छा रुबाब, आपको कितना अर्सा होगा इस फील्ड में? जी मुझे 3.5 साल हो गए इस फील्ड में। 3.5 साल में कितने बंदे लूटे आपने? क्या मतलब? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि कितने फैन बनाए आपने? फैन तो माशाल्लाह मेरे बहुत ज्यादा है, शुक्र अल्लाह का। कितने बंदे आपने गाड़ियों से मोटरसाइकिल पे किए? एक भी नहीं। और कितने मोटरसाइकिलों से गाड़ी पे गई? सारे। ये नहीं हो सकता कि लड़की मोटरसाइकिल से गाड़ी पे ले जाए। अच्छा ये बताएं किस शहर से ताल्लुक है आपका? जी मैं लाहौर से हूँ। कौन सा शहर सबसे ज्यादा लूटा आपने? मेरा मतलब सबसे ज्यादा पेमेंट आपको किस शहर में मिली? मुझे साहिवाल और शेखपुरा। साहिवाल और शेखपुरा? शेखपुरा, वेरी गुड। ये बताएं ये फील्ड में नई लड़की के लिए बड़े मसले मसाल होते हैं, प्रोड्यूसर उनको या हर बंदा उनको बहुत बुरी नज़र से देखता है, आपको भी लोगों ने देखा होगा? देखा होगा, मैंने कभी नोट ही नहीं किया। नहीं नोट तो किया होगा लेकिन वैसे आपने लेकिन खुद को हमने खुद ही महफूज करना है। इतनी खूबसूरत लड़की हो और नोट ना करे ये हो नहीं सकता। लेकिन हमने खुद को खुद ही बचाना है ना, खुद को महफूज रखना हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कोई कैसे किसी को महफूज रख सकता है। अच्छा ये बताएं कि 3.5 साल में आपने गाड़ी भी बना ली और अपने घर भी बना लिए? जी शुक्र अल्लाह पाक का। लेकिन थिएटर से आपको इतने पैसे नहीं मिलते, फिर कैसे बनाया? थिएटर से बनाया और कैसे, क्या मतलब? नहीं ये तो गलत बात है, मुझे भी पता आप जितनी गलत बात कैसे, क्या मतलब? मैं कुर्ता तो दिखा दी। नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ भाई। भाई गाड़ी आपने रखी हुई है तकरीबन 18 लाख की। हाँ। 3.5 साल में 18 लाख की गाड़ी बड़ी मुश्किल से आती है। देखिए मेरी बात सुनिए, रूटीन से काम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आपको पता ही है रूटीन से बंदा जब काम कर रहा हो तो सब कुछ ही बन जाता है। दिन रात मेहनत करती हैं? जी मैं दिन में मेहनत करती हूँ। दिन में कौन सी मेहनत करती हैं, रात को तो थिएटर करती हूँ ना, रात को शो करती हूँ। अच्छा अच्छा ये बताएं सिगरेट कितना अर्सा पिया आपने? नहीं मैं कोई नशा नहीं करती। फिर आप स्मार्ट कैसे हैं? नशा करने वाला स्मार्ट या ना, क्या मतलब? मुझे किसी ने बताया था कि जो लड़कियां वो सिगरेट वगैरह पीती वो स्मार्ट होती हैं। नहीं नहीं मैं कोई नशा नहीं करती, नहीं मैं लाइक भी नहीं करती। अच्छा इश्क करती हैं आप? हाँ। झूठा कि सच्चा? नहीं मैं अपने सब फैन से बहुत प्यार करती हूँ। चामका कैसे फंसाती, मेरा मतलब फैन दोस्त कैसे फंसाती, कैसे घेरा डालती इनको? हम नहीं घेरा डालते, अगले बंदे खुद ही हमें फंसा लेते। और आप इतनी मासूम फंस जाती? नहीं डेफिनेटली हमारे वो फैन होते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके मतलब इज्जत करते हैं ना। अच्छा आपको कैसे पता चल जाता है कि ये बंदा हमारे साथ दोस्ती करेगा या फैन बनेगा? आपको कुछ छठी सेंस होती है, ये छठी इस कहते हैं, या पता लग जाता है कि ये बंदा एक गड्डी देख जाएगा? हाँ आंखें बोलती हैं, सामने बैठे बंदों की भी आंखें बोल रही होती हैं, उन्होंने क्या करना है, फंसना है या फंसाना है। वो इशारा करते हैं गाड़ी की चाबी को ऐसे कि ले लो ले लो। गानों में अक्सर आर्टिस्ट को वो चाबी भी फेंक देते हैं लेकिन बाद में वापस ले लेते हैं। यार ये तो गलत बात है जो वापस ले लेते हैं। अच्छा ये मोबाइल नंबर आपका कैसे जाता है लोगों के पास? ये तो हमें भी नहीं पता कैसे जाता है लेकिन चला जाता है। हमें पता चला कि आप डांस करती करती नंबर भी दे देती हैं। नहीं जी आपको गलत पता चला है, ये कैसे हो सकता है? हाँ ये देखे ना आप कहती हैं 0 3 0 2। हम अभी आपकी तरह कारीगर नहीं हुई। नहीं अच्छा नंबर भी जो नंबर आपका किसी और के पास जाता है आपको खुशी होती है या दुख होता है? मेरी बात सुने जो चाहने वाले होते हैं वो तो फिर ढूंढ ही लेते हैं ना, तो अच्छे फैन के पास जाएं तो हमें अच्छा लगता है।
बुढ़ों के जाए तो फिर हमें दुख होता है। अच्छा मुझे ये बताएं, जो लड़के फील्ड में काम करते हैं उनको गिफ्ट मिलता है, 100 का लीजी लोड मिल गया, ठीक है ना, या मोबाइल की केसिंग मिल गई या चार्जर मिल गया, आपको महंगे गिफ्ट मिलते हैं, उसकी क्या वजह? हमारे अच्छे फैन होते, मतलब देखिए मेरी बॉस ने जो फैन हमें लाइक करते हैं या हमसे प्यार करते हैं, वो हमें अच्छा गिफ्ट दे के हमें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताएं, शोबिज फील्ड कैसी है अंदर से, मुझे ये बताएं। अच्छी भी है बुरी भी है, लेकिन मुझे तो मज़ा आ रहा है। आपको अच्छी का मज़ा आता है या बुरी का? मेरी बात सुनिए, अल्लाह का शुक्र जब से मैं तो वो क्या सीन था? देखे कहीं कहीं भी ना बड़ी अच्छी पब्लिक होती, कहीं कहीं पे मतलब नहीं भी अच्छी होती। अच्छा? तो कहीं पे मतलब मजा भी आता है, कहीं बड़ी साठ भी हो जाते हैं। अच्छा कभी ऐसा हुआ किसी ने आपको गिफ्ट दिया हो कि ये 5,000 बाद में नकली निकलो? नहीं कभी भी ऐसा नहीं हुआ। असली देखे जाते हैं? असली साढ़े ना 3-4 दफा हाथ हो चुके हैं। सही गल है, मैंने एक बंदे ने 500 दिए, मैं चुप करके जेब च पा लिया, घर गया तो लिखा सी ईद मुबारक, मैं कहा खैर मुबारक, मैं फिर जेब च पा लिया। नहीं नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा दुबई गई हैं? जी मैं दुबई गई हूँ, लेकिन मैं विजिट पे गई हूँ। काम के लिए नहीं गई? नहीं नहीं अभी दिल करता है मैं जाऊँ जरा इंजॉय करके आऊँ। दुबई क्यों इंजॉय होता, बाकी मुल्क क्यों नहीं होते? दुबई हमारे लिए जाना आसान है, बाकी थोड़ा टफ है। अच्छा दुबई आप विजिट करने के लिए जाना चाहती हैं, काम के लिए नहीं करने जाना? हाँ विजिट के लिए, विजिट पे मज़ा आता है, काम तो फिर काम दिन रात काम 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 काम। अच्छा तो विजिट पे काम नहीं होता? विजिट पे क्या काम, मैं आपको पाकिस्तान विजिट कराता हूँ, दुबई क्यों करेंगे आप? नहीं पाकिस्तान तो फिर अपना हमारा मुल्क है, आई लव पाकिस्तान, और पाकिस्तान शहर जैसा तो कोई भी नहीं है, लेकिन आउटिंग भी तो होनी चाहिए ना। शादी हुई आपकी? आपके हाथ से बता रहे हैं कि शादी हुई है, आप मान नहीं रही? नहीं नहीं आपको मैं शादीशुदा लगती हूँ? कोई भी लड़की नहीं लगती, मैं लगता हूँ। तो फिर मैंने कहा अभी सोच रही शादी के बारे में। कैसा लड़का पसंद है आपको? अभी मुझे नजर ही नहीं आ रहा। शोबिज में करेंगे, शोबिज से बाहर करेंगे? मैं एक शोबिज से मैं करूँगी, एक शोबिज के बाहर। नाजरीन आप सुन रहे हैं कि एक शोबिज में करेगी, एक शोबिज के बाहर करेंगी, इनका मतलब ये दो टारगेट बना लिया है, शोबिज वाले भी अपना जेन बना लें और जो बाहर हैं वो भी जेन बना लें। अच्छा ये बताएं अब शोबिज में और बाहर दो अलग करेंगी, ये आपने अजीब सा वकवा बता दिया हमें। तो सस्पेंस में है ना? चलो इसका मतलब आप कहीं भी कर सकती हैं, शादी के बाद आप फील्ड करेंगी? नहीं। अच्छा ये बताएं जो नई लड़की इस फील्ड में आना चाहती है उसके लिए क्या नसीहत करती है, उसे फील्ड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ, ये उसकी लाइफ के लिए मसला है। नहीं नहीं अब मेरे ख्याल में तो फील्ड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब फील्ड भी पहले जैसी फील्ड नहीं रहेगी, काम नहीं रहेगी, आपको पता है लॉकडाउन के बाद तो वैसे ही खत्म हो गई है। जो लड़कियाँ फील्ड में आना चाहती हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि फील्ड में ना आए, क्योंकि अब फील्ड वैसी नहीं रही, फील्ड बदल चुकी है, तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। और टुडे डिजिटल के लिए कुछ कहना चाहेंगी? जी फ्रेंड्स सब इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सब ने बताना है मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और इसके बाद मैं आपको एक धमाकेदार इंटरव्यू दूंगी, और कमेंट्स भी अच्छे अच्छे करना, कमेंट्स अच्छे अच्छे करना, और मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक नए मेहमान के साथ। टुडे डिजिटल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, इसे इसका बेल बटन ऑन कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे दीजिएगा इजाज़त, आपका होस्ट जाहिद खान, अल्लाह हाफिज़।